subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, अब हम combination of circle and other plane figure जो होती हैं, square हो गया, rectangular हो गया, parallelogram हो गया, other जो हमारी plane figures होती हैं, उन दोनों का अगर combine कर दिया जाए तो एक new shape बने। इन different different shapes का area या circumference किस तरह से find out करते हैं, देखेंगे कुछ specific shapes का, तो मैं आपको example के according भी बता दूँ, example दे दूँ, so area of the combination of plane figure। आप यहाँ पर स्टूडेंट देखें, जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया, यहाँ पर दो सेमी सर्किल, एक तो ये वाला सेमी सर्किल दिस सेक्शन और दूसरा ये वाला सेमी सर्किल जो है रेक्टेंगल के अंदर आपने जो है इंस्क्राइब किया गया। यहाँ अगर आप देखें स्टूडेंट दिस फिगर, तो इस फिगर के अंदर ये एक मेजर सेक्टर आपका बन रहा है और नीचे की तरफ आपका क्या बन रहा है, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन दो की कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर अगर आप देखें बीच में एक सर्किल है और सर्किल के यहाँ पर क्या है क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट बने हुए, क्वाड्रेंट यानी एरिया का सर्किल का 1/4 पार्ट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स बनती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल कराता हूं जहां पे इसी तरह की शेप्स के एरिया एंड निकालेंगे। सी एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन के अंदर सी इन फिगर ए बी एंड सी डी यहां पर आप देख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। ए बी एंड सी डी एज यू कैन सी टू डायमीटर ऑफ द सर्किल है, दिस ये CD हुआ एंड ये AB हुआ और ये जो है डायमीटर सेंटर ऊपर है, परपेंडिकुलर टू इच अदर, ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एज यू कैन सी इन द फिगर। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। OD क्या है, दिस OD क्या है ये छोटा वाला सर्किल देख रहे हैं उसका डायमीटर। इफ OA आपको क्या दे रखा है, OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यानी रेडियस ऑफ बिगर सर्किल दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या आ रहा है, एक स्मॉलर सर्किल आ रहा है, दूसरा हमारा क्या आ रहा है बिगर सर्किल में दो सेगमेंट, छोटे छोटे दो सेगमेंट बन रहा है, एक तो ये वाला सेगमेंट बन रहा है और एक ये वाला सेगमेंट बन रहा है। तो कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे स्टूडेंट, सिंपली है आप अगर देखें यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए सी बी, ये बड़ा ट्रायंगल, आप क्या कर दें ये जो दो छोटे सेक्टर हैं ये वाले आपके दो छोटे सेगमेंट है, ये आप निकालने के लिए आप क्या करते हैं कंप्लीट जो है सेमी सर्कल में से माइनस करा दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको ये पता है ये टोटल कितना है, रेडियस है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है, साथ ही डायमीटर आपको ए बी पता है, ए बी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एंड ओसी हमारा क्या है, ओसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्योंकि ये गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं सिंपली क्या होगा राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में आप सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ट्रायंगल के एरिया। सो हम यही देखते हैं स्टूडेंट, सी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल ओ क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा जो कि 7/2 सेंटीमीटर, मैं पहले स्मॉलर का निकाल रहा हूँ यानी यहाँ, और ओडी हमें 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है उसका हाफ कर दे तो ओ क्यू आ जाएगा स्मॉलर का रेडियस। नाउ तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल इज पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, 22/7 × 7/2 × 7/2 कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर। अब आर मैं क्या ले लेता हूं, आर बी द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल जो कि 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ अदर शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय टू क्या होगा सेमी सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी पाई बाय 7/2 ये आपने निकाला किसका सेमी सर्किल का, हाफ ओसी इंटू बीए ये क्या हो गया लेंथ इंटू बेस, ये हाफ हाइट इनटू बेस, ये आपका जो है ट्रायंगल से आया। अब ट्रायंगल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओसी कितना है 7, एबी कितना है 14, और ये आप फाइनली कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर दिस 2 से ये 7 गया तो यहाँ पे दिस 7 आया एंड 7 × 7 14 आए, यहाँ 2 से करेंगे 11 आएगा, 7 × 11 = 77 77 − 49 आपका क्या आया 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या था एरिया ऑफ अदर शेडेड पोर्शन, और जब आप इन दोनों एरिया को कंबाइन कर देंगे तो एरिया ऑफ कंप्लीट शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आप यहां पर क्या कर दें 28 में प्लस करा देंगे दिस 38.5, तो आपका कितना आएगा 0.588 यहां पर 16 कैरी 1 आ जाएगा तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कंबाइंड आ गया। तो इस तरह से आपने क्या निकाला स्टूडेंट एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकाला। अब कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे
This is on the same concept of the third exercise. It's a seedha exercise.